हमारी नजर उतारना इतना आवश्यक नहीं जितना नहीं बहुगे। हम राजपूत तो अपने अनजान अतिथि का सत्कार भी बड़ी धूमधाम से करते हैं। कट है तो आप हमारे आंसू पहुंचने की बात कर रही थी और अब आप ही कह रही हैं कि हम भी स्वागत समारोह में सम्मिलित हों। Ah!
सारी जी कर रही हो है कि एक बार थारा ये घूंघट हटाकर देखे कि या घूंघट के पीछे की मूरत में ऐसी के लाल है जो हमारे राणा जी को चित्तौड़ से दूर लेकर गई और हमारे से दूर कर दियो। या राजपुताना मां गर्मी कुछ ज्यादा ही है छोटी बहू, कहीं ऐसा ना हो कि थारा ये कोमल बदन या गर्मी मां झुलस जाए, क्योंकि या गर्मी मां नागमती नाम की ताप भी तो सम्मिलित है। इसलिए जाओ, जाकर दूसरों से भी बलाएं ले ही लो, जिससे तुम अपने आप को इस तपिश से बचा सको। सुना तो हमने भी है जीजी, पर साथ में ये भी सुना है कि राजपुताना में शीतलता भी बहुत है। फिर हम तो यहां आपकी परछाई बनकर रहने आए हैं।
बड़ी बेगम साहिबा की खिदमत में अमीर खुसरो का आदाब कबूल हो। कैसे हैं खुसरो साहब? हमने तो सुना था अलाउद्दीन ने जनाब जलालुद्दीन के जितने भी अजीज व अजीज सिपह सलार और वजीर थे सबको मौत के घाट उतार दिया, फिर आप कैसे बच गए? अजीब इत्तेफाक है बड़ी बेगम साहिबा, जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी जान हमारे पीछे पड़ी रहती थी। हमें पढ़ने लिखने का शौक था, हर वक्त किताबों में डूबे रहते थे और वो हमें एक जाबाज सिपाही बनाना चाहती थी। सितम जरीफी देखी है, आज जलालुद्दीन साहब के दरबार के हर जाबाज सिपाही का हश्र आपकी निगाहों के सामने है। क्या बात है खुसरो साहब, आज तो आप अलाउद्दीन की जुबान बोल रहे हैं। ये आप कह सकती हैं बड़ी बेगम साहिबा, लेकिन ये हमारी फितरत नहीं है। हम कल भी दिल्ली दरबार के वफादार थे, आज भी दिल्ली दरबार के वफादार रहे और ताउम्र दिल्ली दरबार के ही वफादार रहेंगे। फिर हमारे पास क्या लेने आए हैं? हम कुछ लेने नहीं, कुछ जानने आए हैं बड़ी बेगम साहिबा। अलाउद्दीन ने हमें यहाँ एक खास मकसद के लिए भेजा है। कहीं आप हमसे कोहिनूर की जानकारी लेने तो नहीं आए हैं? हालात बदल गए हैं बड़ी बेगम साहिबा, मगर आप नहीं बदली। गालिबन हालात ने आपको और ज्यादा तेज बना दिया है। ये बात तो हमें मालूम थी आमिर साहब, एक ना एक दिन अलाउद्दीन हमारी जा बख्शी का नजराना जरूर वसूलेगा, पर बात कोहिनूर की होगी ये पता नहीं था। पर अमीर साहब, आपको देखकर ये बात तो साबित हो गई कि अलाउद्दीन को हमसे थोड़ी तो हमदर्दी है, क्योंकि वो ये राज हमसे उगलवाना नहीं बुलवाना चाहता है। अलाउद्दीन ने वादा किया है बड़ी बेगम साहिबा कि कोहिनूर जैसे ही उनके हाथ आएगा वो आपको सारी मुसीबतों और तकलीफों से आजाद कर देंगे। सारी तकलीफों से या इस जहां से? नहीं अमीर साहब, मैं अलाउद्दीन को आपसे बेहतर जानती हूँ। अपनी अय्याशियों के लिए 22 साल की अपनी बेगम को जो हज भेज सकता है वो कोहिनूर मिलने के बाद क्या मुझे छोड़ेगा? नहीं अमीर साहब, जब तक कोहिनूर है हमारी जान की सलामती है। तो हम क्या समझें बड़ी बेगम साहिबा? उससे जाकर कहो जिस बादशाह की 16 बेगमें थीं वो कोहिनूर क्या बूढ़ी बेगम को देगा? उनकी 15 बेगमें और भी हैं, उनसे जाकर तफ्तीश करें, शायद कोहिनूर उसे हासिल हो जाए। लेकिन बड़ी बेगम साहिबा, आपके दामाद और जनाब जलालुद्दीन साहब की आखिरी बेगम ने एक ही पैगाम कहलाया है कि अगर आप कोहिनूर का पता उन्हें दे दें तो आपको हर मुश्किल हर मुसीबत से निजात मिल जाएगी। पता नहीं क्या मतलब था दोनों का। खुदा हाफिज। रानी, मंदिर की दीवारों पे अपने हाथों की छाप लगा दो। हाथों की छाप लगाने से भाग्य भी छप जाता है। जाओ रानी बहु, कुल देवता के मंदिर की दीवारों पर अपने हाथों से वो छाप बना दो, जीवन भर ये छाप अमिट बनकर रह जावे। बारिश में भी उड़ा दियो
पे लगेंगे नई बहू, पर वहां नहीं जहां हमारी जगह है। हम अपने जीते जी किसी भी कीमत पर तुम्हें अपना स्थान नहीं लेने देंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.